सब लोगों ने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन किसी को मालूम है कि क्यों होती है, किस वजह से बच्चे के अंदर सेरेब्रल पाल्सी हुई, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे ज़्यादा, इसको कैसे बचा सकते हैं हमारे, ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, बट अभी मेन दिक्कत है हमारी दौरे या छुटके। तो मैं जानना चाहूँगा आपने से कितने लोगों को, बच्चों को आपने घर पर देखा है कि उनके दौरे पड़े हैं, काफ़ी मात्रा में लोगों ने आई थिंक दौरे या सीजर्स जिनको कहते हैं, उनको अलग अलग फिट्स बोलते हैं, अलग अलग नामों में इनको बोला जाता है, बट इनका मतलब एक ही है और इनसे नुकसान भी एक ही तरीके से होता है। सेरेब्रल पाल्सी आपको मालूम है कि बीमारी क्या है, तो मैं जो बताऊँगा आपको दो चीज़ें बताऊँगा, एक ये कि सेरेब्रल पाल्सी हो क्यों रही है, उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हिंदी में, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे के अंदर ऑलरेडी बताया गया है कि मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है, चलने की दिक्कत होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दौड़ों की दिक्कत भी आती है बच्चों के अंदर स्टार्ट होती है। और इसकी जो हमारे जो सेरेब्रल पाल्सी है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, आपको ऑलरेडी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी होती हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट तो सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों के अंदर सेरेब्रल पाल्सी मिलती है, वो मिलती है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, जिसके अंदर की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अकड़ जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी के कितने कितने पार्ट्स अलग अलग इसमें इन्वॉल्व है, बच्चे के अंदर की किसी का आधा हिस्सा इन्वॉल्व है, किसी के पैर इन्वॉल्व है, किसी के हाथ इन्वॉल्व है, किसी के एक हाथ एक पैर इन्वॉल्व है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, कौन से पार्ट में डैमेज हुआ है, और उसके हिसाब से आप सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स को डिसाइड करते हैं। कॉमनेस्ट आपने देखा कि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट जो ज़्यादा बच्चों में देखा वो स्पास्टिक होती है, ऑलमोस्ट 75% बच्चों के अंदर स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी मिलती है, और इसके कारण बहुत सारे हैं। इसके कारण राइट फ्रॉम जैसे बच्चा माँ के गर्भ में आता है वहाँ से शुरू हो जाते हैं, और जब तक बच्चा गर्भ से बाहर आता है उसके बाद तक इसके कारण होते हैं। इन कारणों का मैं थोड़ी देर बाद क्लिक करूँगा, बट अभी हमारा मेन उद्देश्य है दौरे या झटके। तो मैंने देखिए इससे आपको पता चलता है कि एंटीनेटल, यानी एंटीनेटल मीन्स जन्म से पहले के कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। पेरिनेटल यानी ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा पैदा हो रहा है उससे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, और पैदा होने के बाद भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, और डिफरेंट साइंस होते हैं बच्चों के अलग अलग एज के, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक सज्जन ने बताया था कि 6 महीने 7 महीने तक बच्चा बैठा नहीं, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सो अपने आप में ये संकेत देता है कि अगर कोई बच्चा 4 या 5 महीने तक गर्भ नहीं संभाल पा रहा और कोई बच्चा 7 या 8 महीने तक बैठ नहीं पा रहा, तो ये अपने आप में एक संकेत मिल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है मांसपेशियों की, मसल के टोन की दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मांसपेशियाँ हैं और उनका जो कंट्रोल है वो कुछ गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मसल्स का वो कोऑर्डिनेट करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन, अगर वो ही गड़बड़ा जाता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो सब गड़बड़ा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों के चलने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, दिनचर्या काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है दिक्कत दौड़ों की, और इसका मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी फैक्टोरियल मैनेजमेंट है। मतलब मल्टी फैक्टोरियल का मतलब है कि ये तो दौरे हैं, जो भी समस्या होती है सेरेब्रल पाल्सी की, ये एक जो ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर में भी बहुत सारे डॉक्टर, एक ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, एक आई वाला चाहिए जिनके अंदर आईज की प्रॉब्लम बहुत होती है, एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए, पीडियाट्रिशियन चाहिए। सो आपने देखा कि ये एक डॉक्टर के बस का काम नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर चाहिए। कुछ एड दी जाती है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को चलने में एड्स हेल्प करती हैं, कुछ ब्रेसेस लगाए जाते हैं,
हमेशा जब भी बच्चे को दौरा पड़ता है उसको उठाकर आराम से एक शांत या साफ जगह पे ले जाएं। हो सकता है कहीं जंगल में दौरा पड़ गया हो, कहीं घर पे पड़ गया हो, कहीं बाथरूम में पड़ गया हो, कहीं पे भी दौरा पड़ सकता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि बच्चे को जितना जल्दी हो सके एक सेफ प्लेस पे ले जाएं, ताकि इससे उसकी इंजरी हो सकती है, उसको कृपा करके निकाल दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि झटके में पता नहीं कौन क्या चीज चुभ जाए उसको इंजरी हो जाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खतरनाक चीज़ होती है बच्चों के अंदर होती है उल्टी और वॉमिटिंग। अगर ये वॉमिटिंग मैंने बताया सांस की नली में चली गई और सांस रुक गई तो फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है बच्चे को बचाने में, ठीक है। हमेशा सीजर, और जैसे मैडम ने बताया बिल्कुल ठीक बताया, ये सीजर थोड़े समय के लिए होते हैं, कुछ बच्चों में ये सीजर अपने आप थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं। तो इनका नोटिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सो दैट आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आपको बताएं कि किस टाइप का सीजर था। तो उसका सबसे बड़ा तरीका आजकल है कि हमारे पास सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, उसकी एक वीडियो बना लें। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ना कि आपके लिए बल्कि आपके डॉक्टर के लिए जो कि उसका इलाज करना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स के इलाज भी डिफरेंट होते हैं, उनके लिए अलग अलग दवाएँ होती हैं, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि ऐसे बच्चे जिनको दौड़े पड़ रहे हैं उनको सॉफ्ट जगह किसी गद्दे पे या कुशन पे लिटा दें, जिससे कि इंजरी ना हो उनके बॉडी पार्ट्स। सो ये है रिकवरी पोजीशन। आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मालूम होगी जो मैडम कह रही थी कि बाई साइड में लिटाना, इसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं। बच्चे को या बड़े को किसी को भी दौड़े पड़ रहे हैं या बेहोश हो रहा है उसको लेफ्ट लेटर और बाई साइड में ऐसे करके लिटा देना है, जिससे कि अगर कोई भी उसको उल्टी होती है या कोई भी मुँह से झाग निकलते हैं वो सब साइड में मुँह से होके निकल जाए, ना कि सांस के बंद निकल जाए। कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करनी नहीं है बिल्कुल भी, अगर किसी बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, और उनमें सबसे पहले है कि उस बच्चे के चेहरे पे पानी नहीं छिड़ने। कुछ लोग होते हैं कि कुछ पानी छिड़कने लगते हैं सोच के कि जल्दी से इसमें आराम मिल जाए, प्लीज़ पानी वानी कुछ मत छिड़किए, कुछ भी उसके माउथ के पास मत लेके आइए। कुछ लोग पुराने ज़माने में पद्धति थी कि इसको कुछ सुना देते हैं तो उसके दौरे रुक जाएंगे, या उसके पास कुछ ऐसी चीज़ जला देते हैं जिससे दौरे रुक जाएंगे, तो वो कृपया करके ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल मत करिए। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना कि नाक को दबाना है या कोई और बॉडी पार्ट दबाना है जिसकी वजह से उनके से भी दौरे रुकने के, क्योंकि दौरे को अगर रुकना है तो वो अपने आप रुकेगा, आपके किसी करने से नहीं। कुछ लोग हाथ पैर मसलने लगते हैं, हाथ पैर दबाने लगते हैं कि चाहे इसके मसलने से या कुछ करने से दौरे रुकेंगे या कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, इससे बच्चों का नुकसान होगा। कुछ लोग और भी कोशिश करते हैं कि वो क्या करते हैं उसको पकड़ के रोकने की कोशिश करते हैं कि जो दौरा है, जो हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, उसको रोक दो किसी तरीके से, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे और बच्चे की मांसपेशियों को इंजरी होगी और उसका उसका नुकसान होगा, ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके से ये ऐसे नाक के अंदर इस तरह की स्प्रे आती है, और आप लोग एक नाक में जिस बच्चे को दौरा पड़ रहा है उसकी एक नाक में दबा के डाल सकते हैं, अगर उससे रुक जाते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं रुकते तो आप दूसरी नाक में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक घरेलू चीज़ है जो आप अपने घर में हमेशा अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, जो कि एक यही चीज़ है जिससे आप दौरे की जो ड्यूरेशन है या दौरे की तेज पर है उसको कम कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दौरे के साथ बुखार भी आने लगता है या फीवर जिसको कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन समस्या है, तो उसमें घबराए नहीं, हमारे पास पैरासिटामोल या पीसीएम होता है अवेलेबल, वो दे सकते हैं बच्चे को दौरे पड़ने से पहले। एक बार दौरा पड़ गया तो फिर हम नहीं दे सकते उसको। आजकल क्या हो गया, पैरासिटामोल की बत्तियाँ भी आ गई हैं, सपोजिटरीज आ गई हैं, ऑल्सो वेरी वाइडली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल है। तो अगर बहुत ज़्यादा तेज बुखार है तो आप पैरासीटामोल की, जैसे पहले लोग जीसरिन की पत्ती लगा देते हैं, ऐसे पैरासीटामोल की पत्ती भी लगा सकते हैं। और फाइनली अगर इन सबसे कम नहीं हो रहा बुखार तो आप थोड़ा सा उसकी गीले पानी से पट्टी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चों में चूँकि दौरे अभी पड़ रहे हैं, हो सकता है दोबारा भी पड़ जाए, तो ये कुछ ना कुछ दवाई ले रहे होते हैं, कोई ना कोई ड्रग के होते हैं, आपके पीडियाट्रिशियन से या आपके डॉक्टर जो है वो बता के रखेगा कि भाई इनको क्या दवाई चल रही है। कुछ लोग फेनिडॉन देते हैं, कुछ लोग वैल्प्रोइड देते हैं, कुछ लोग लिवेरा देते हैं। तो हमेशा आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ये जो दवाई चल रही है ये ऐसा तो नहीं दवाई बंद कर दी हो किसी ने गलती से,
या बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कहीं दूसरे किसी फंक्शन में गए और दवाई की डोज देना भूल गए, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो रात भर आपने वो नहीं ट्रैवल करा और आप दवाई देना भूल गए। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो दवाई चल रही थी उसको कहीं बंद तो नहीं कर दिया। अगर ब्लड शुगर की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास तो शुगर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों के अंदर जिनके अंदर दौरे पड़ रहे हैं ब्लड शुगर बहुत जल्दी कम होता है, और ब्लड ग्लूकोज चेक करने का हमारे पास बहुत आसान तरीका होता है। हर किसी के पास आजकल घर में ग्लूकोमीटर्स हैं, सिंपल चेक कर सकते हैं। फिर फाइनली अगर इन सबसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको हॉस्पिटल लेके आना है, जहाँ हॉस्पिटल में आपको कि ये सब चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे को कैमरा लगा के कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनमें डाइजीपाम और मेडाजोलाम है। हमारा बेसिक काम अभी क्या है कि दौरों को जितनी जल्दी हो सके रोकना, और वो जो दवाई जो उसको पहले चल रही थी उसके बारे में डॉक्टर को बताना। और आपने तो इस बीच में एक वीडियो बना लिया है बच्चे का, तो वो भी बच्चे को डॉक्टर को दिखाना कि जो दौरे पड़ रहे थे वो किस टाइप के थे। ठीक है, तो इतना था दौरों के बारे में। आजकल बहुत सारे और बहुत ही डिवाइसेस भी आ रहे हैं जो कि आपके बच्चे को हेल्प करते हैं, उनकी मांसपेशियों को काम करने हेल्प करने में, चलने में, देखने में, और आजकल इतने सारे और वीडियो गेम्स टाइप डिवाइसेस आ गए हैं जो कि इन बच्चों को और हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि और इनका जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो और बेटर हो जाए। और जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र ने आपको बताया था कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है एक पेरेंटल सपोर्ट ग्रुप की। आप लोग इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर एक अपना ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को आगे लेके जाएं, जिससे कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। इस लोगों में आजकल तो सबके पास मोबाइल्स हैं, व्हाट्सएप है, तो बहुत आसान है अच्छा सा छोटा सा ग्रुप बनाना, जिसमें कि आप एक दूसरे की अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के प्लस पॉइंट्स भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चे के साथ कुछ अच्छा हुआ रहा है तो वो शेयर करेंगे, तो हो सकता है दूसरे लोग उसको करके बेनिफिट पाएं। और फाइनली इसको पहचानते हैं लोग कौन है, कोई जानता है कौन है? वैसे तो दिखा है लेकिन पता नहीं दिख रहा नहीं होगा, बट थोड़ी देर पहले इनका जिक्र हुआ था कि हमारे किसी स्पीकर ने इनका जिक्र किया था। ये स्टीफन हॉकिंग हैं और इनके बारे में जितना कहा गया उतना कम है। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी ऐसे काम किए जो शायद एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी कहानी ये कोट लिखा था जिसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि हाउ अ डिफिकल्ट लाइफ मे सीम। इन्होंने कहा था हाउ अ डिफिकल्ट लाइफ मे सीम कि आपको अगर लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, हमेशा आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं एंड सक्सीड, हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इट ओनली मैटर्स दैट यू डोंट गिव अप। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप अपना संयम ना खोएं और कुछ ना कुछ करते रहें। थैंक यू वेरी मच। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN999 को सब्सक्राइब करें।